हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की स्टूडियो में बात करने वाले एसएससी सीजीएल 2018 से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए वो आपको पूरी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका स्कोर कार्ड है कब तक जारी हो जाएगा और नॉर्मलाइज मार्क्स आप कब तक चेक कर पाओगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, जो आपका रिजल्ट है यहाँ जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो आपका स्कोर कार्ड है यहाँ पे वो जारी नहीं हुआ कि आपके रॉ मार्क्स कितने हैं और नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मेरे पास कि सर नॉर्मलाइज मार्क्स कब तक जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो आपका रिजल्ट है यहाँ जारी हो चुका है टीयर वन के लिए, और जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं आप लोगों के 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे जारी करने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जैसे ही आपके रॉ मार्क्स रिलीज़ कर दी जाएंगी तो सबसे पहले हम आपके लिए यहाँ पे अपडेट लेके आएंगे। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट है आप सब लोगों के लिए कि जो आपके मार्क्स है 2 से 3 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कईयों का यहाँ पे 120, 121, 122 पे सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका यहाँ पे 120, 121 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े यहाँ पे, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का पता लग जाएगा कि कौन से शिफ्ट का एग्जाम कौन कितना हार्ड आया था। तो दोस्तों, फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।